आज इस वीडियो में बात न्यूज़ 24 के पत्रकार संदीप चौधरी की करेंगे। संदीप अपनी डिबेट के जरिए कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज उनके कुछ ऐसे डिबेट्स देखते हैं जिनमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्होंने भाजपा प्रवक्ताओं को अपने तीखे सवालों में घेरा। न्यूज़ 24 पर बेरोजगारी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बेरोजगारी के आंकड़े ना जारी करने पर भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता बात को गोल गोल घुमाने लगे, पर एंकर ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। नौकरियां अगर आप सोचते हो कि सरकारी नौकरियां ही जनता को लोगों को नहीं, मैं सिर्फ केंद्र की बता रहा हूं, कुल मिलाकर सरकारी नौकरियां 60,75,754 पद खाली पड़े हैं। जो अलग अलग क्षेत्र में जो ऐसे जो एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम क्रिएट करने का प्रयास है वहीं से नौकरी आएगी। तो यह जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की 1,93,000 पद खाली पड़े हैं, आप कहते हैं जन कल्याणकारी सरकार है। सरकार बार बार कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद मुख्तार बनो, सब एंटरप्रेन्योर्स बन जाओ। सब में वो तासीर नहीं होती गोपाल बाबू एंटरप्रेन्योर बनने की, तो हर कोई धंधा नहीं कर सकता। नहीं तो सबको नौकरी, आप सोचो कि सरकारी नौकरी सबको दे देंगे तो ये तो विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था। तो वो 2 करोड़ रोजगार कौन से, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कह रहे थे कि रेडी लगा लो। नहीं वो तो सब मिला के है ना, अगर 37 किलोमीटर का रोड पर डे बनता है तो वो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करता क्या। जो न्यूज़ 24 पर पेगासस जासूसी मामले पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप ने भाजपा प्रवक्ता से जासूसी मुद्दे पर सरकार का पक्ष साफ करने को कहा, जिस पर प्रवक्ता विपक्ष पर उंगली उठाने लगी, पर एंकर ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। राहुल गांधी प्रोफेशनल भगोड़ा है, इनका काम है इल्जाम लगाओ, लांछन लगाओ, तोहमत लगाओ। तो सरकार जवाब क्यों नहीं देती, दे देती। संजू एक चीज बताइए, एक सीधा सा सवाल है, दरअसल सवाल एक ही है, सरकार ने पेगासस खरीदा क्या या नहीं खरीदा? कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि सरकार किस चीज का जवाब देगी या ना देगी। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। संदीप जी सच बताइए, हमारे तो 144 करोड़ डाउन द ड्रेन गए। मैं भी एक टैक्स पेइंग सिटीजन हूं, सिर्फ भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं। कि क्यों 144 करोड़ रुपए जाया हूं, मैंने गणित भी लगाया है इसका। संजू एक मिनट में लगभग 2.5 लाख रुपए खराब हो गए, पर 2012-13 के संसद के कितने सेशंस चले और वो 143 घंटे में से 11 घंटे ही या 13 घंटे ही संसद चल पाई, तब भी 149 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। न्यूज़ 24 पर संसद के बार बार स्थगित होने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संसद में हंगामा करने पर विपक्ष की आलोचना करने लगी, पर एंकर ने उनके पार्टी के नेताओं का बयान सुनाकर जवाब मांगा। बिल्कुल सीधा, आज तीखा सवाल पूछ रहा हूं और आप संसद में आई हैं 2019 में अपराजिता सारंगी, क्या हम संसद का मजाक बनाकर छोड़ दिया है आप लोगों ने और विपक्ष ने? इस नैया पर आप दोनों सवार हैं। 19 जुलाई पेगासस पर केंद्र सरकार ने अपने मंतव्य को रखा और जब राज्यसभा में मंतव्य रखने लगे तो कागज को फाड़ दिया गया, आप सबने सुना। तो विपक्ष तो वही कर रहा है ना, मैंने शुरुआती संबोधन में अपराजिता जो स्वर्गीय अरुण जेटली स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बयान में दोबारा से पढ़ देता हूँ, पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, संसद में गतिरोध अलोकतांत्रिक नहीं है। आप कर रहे हैं तो ठीक, विपक्ष कर रहा है तो गलत। मैं एक वाक्य जोड़ना चाहती हूँ, किसने कहा विरोध न करें? हम हर तरह के प्रश्न का सम्मान करते हैं, हर तरह के मंतव्य का स्वागत करते हैं। जातिवाद के मुद्दे पर न्यूज़ 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने अलग अलग जाति वर्ग के लोगों की गिनती ना करने पर सवाल किया, जिस पर नेता अपनी पार्टी की तारीफ करने लगे, पर एंकर संदीप ने टोका और सही से जवाब देने को कहा। तो गिनती क्यों ना हो जाए, अन्य पिछड़े वर्ग कितने हैं? जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है तो अन्य पिछड़े वर्ग की भी एक जातिगत जनगणना हो जाए, पता तो लगे कि कितने पिछड़े हैं इस देश में, कितने तथाकथित सवर्ण हैं। राजनीति में भी ऐसी कौन सी पार्टी थी, ऐसी कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? क्या कांग्रेस पार्टी थी? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण को पहली बार कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता। आप ही की सरकार है बिहार में, वहां पर बिहार में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप ही के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं रामदास आठवले, वो ये मांग कर रही हैं, तो इनकी मांगे गलत हैं।
इनकी मांगे गलत नहीं है संदीप जी, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ हमारे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, सबको अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, ये गलत सही वाली क्या बात होती है। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप आगे भी अपने डिबेट्स के जरिए जनता के मुद्दे उठाएंगे और भाजपा नेताओं से तीखे सवाल भी करते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।